Oregano. Lokesh, welcome back to the channel. तो आज हम बात करेंगे एक हफ्ते की ग्रॉसरी और गैस. गैस मतलब जो इंडिया जिसको पेट्रोल बोलते हैं, और जैसे इंडिया में पेट्रोल पंप होता है, यहाँ पे गैस स्टेशन होता है. तो इन चीज़ों के बारे में कि भाई एक हफ्ते की ग्रॉसरी सुपर स्टोर से आपको कितने की पड़ेगी, और एक हफ्ते के लिए अगर आपकी कार में गैस चलाओगे तो वो कितने की पड़ेगी. ऐसा खर्चा अगर हम घूमने वूमने नहीं गए तो पड़ा $1.55, जो कि नॉर्मल गैस है. प्रीमियम का $1.65 है, और शायद अल्बर्टा में इस वक्त सबसे सस्ती गैस है कंपेयर टू, क्योंकि आज सुबह सुबह न्यूज़ में देखा तो टोरंटो में है $2.24 और वैंकूवर में $2.64. बहुत महंगी हो गई गैस. तो $9.43 की पड़ी है, और टोटल गैस डलिए 31 लीटर. $1 का कॉइन, ये जरूर चाहिए सुपर स्टोर आने के लिए, क्योंकि हम ग्रोसरी करने आए सुपर स्टोर. आज सैटरडे सुबह सुबह टाइम हुआ है 7:55, तो चलो दिखाते हैं आपको सुपर स्टोर में ग्रोसरी कैसे होती है, क्या प्राइस है, कितनी महंगाई बढ़ी है एडमिंटन अल्बर्टा कनाडा में. ये हनी क्रिस्प है, कहते हैं बहुत अच्छे होते हैं, और गाला एप्पल भी अच्छे हैं. सारी अलग अलग वैरायटी हैं एप्पल्स की, और ये कुछ लोग इसको लेते हैं क्योंकि इससे एप्पल पाई बहुत अच्छी बनती है. इसका भी बड़ा है ना जी, खट्टा मीठा सा फ्लेवर टेस्ट होता है. आलू कितने का लगा हुआ है आज? $6 आगे और सस्ता होगा शायद. £10 है, $8 सेल वाली सब्जियाँ, $9 का 20 pound है. ये वाला हम लेते हैं बैग, रेड पोटैटो. सस्ते हो गए ना वापस से, वरना 1 point something से नीचे नहीं गया था टमाटर. गिरवा ले लिए करेले, लेकिन ये अच्छे होते हैं यहाँ के करेले, बहुत अच्छे होते हैं. लगी हुई है $2.99 की 50 pound, $13 की 10 और $9 की 10 pound. आपको ले लो, ले लो, लेना. कॉफ में रह क्या गया, कुछ नहीं रह गया. कह रही है शुगर हटा दो, कैफीन हटा दो, कोक में रह गया. या फिर सही है, वैरायटी देखो बिस्किट की, और ये वाली ये मेपल कुकीज होती है ना ये. अगर किसी को शुगर से प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत टेस्टी होती है. कैनेडियन फ्लेवर्स घर में. ये कंफ्यूज हो गई है, इसको ये दे दिया ना जो मर्जी उठा ले. ये इसीलिए सुपर स्टोर आती है, हम भी वैरायटी होता है.
ये जो ब्रांड है ना, ये मोस्टली हेल्दी कुकीज बनाता है। ये वाला तुम्हारा फेवरेट है ये? नहीं, लेकिन खाने में भी अच्छे, इसमें शुगर कम है इसके अंदर, इसीलिए आप देखो थोड़ा सा महंगा और सारे उससे। ये सारा डायबिटीज कराने की चीजें हैं यहाँ पे। देखो स्विस चॉकलेट्स भी हैं यहाँ पे, सारी चॉकलेट्स। किसको पसंद है? तुम्हें इनमें से कौन सा लेना है? हैं? खाएगी ना, खाएगी तो लियो, ये नहीं कि बाद में ना खाए और मेरे को खत्म करना पड़े। हैं? ले लो। नमक इश्क का, नमक इश्क का $1.29 का है। सॉरी, योगर्ट है ये, ग्रीक योगर्ट, नॉर्मल योगर्ट। और जिया लेने गई अपनी, ये कौन सी योगर्ट लिया तुमने? दही सूरज की। अबे कितनी दही खाएगी? बहुत सारी दही। इसको लाने का मतलब, इससे मतलब मालूम पड़ता है अभी बच्चा भारतीय है। भारतीय है, और इसको वो नहीं, नॉर्मल दही नहीं पसंद है, यहाँ की जो योगर्ट आती है इसको यही वाली दही पसंद है, सूरज की, 3.25% वाली। और ये एक दही है $49 की। बड़ा डब्बा लेना है कढ़ी बनाने के लिए, तो ये भी है 1359 का, पर महंगा हो गया ये। पहले छोटे वाला है 499 का, और ये बड़े वाला $21 का। ये कॉस्को में 17 का मिल रहा है, तो घर में पनीर पड़ा हुआ है अभी, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर मैं जो यहाँ पे बड़े वाला पनीर है ना, हाँ। वो यहाँ पे $21 का है और कॉस्को में 17 का मिल रहा है। लेकिन उससे पहले कितने का था? $12 या $13 का था सब जगह। महंगा तो हो ही गया। अरे कुल्फी ये अभी आई है, ये नई चीज आई है भाई, ये नई चीज है। ये ले लो गरिमा वर्का की मैंगो कुल्फी है। ये कौन सी है? ये पिस्ताचो है। पिस्ताचो वो कौन सी है? मलाई, मलाई, मलाई ट्राई करें। चलो मलाई लेते हैं। तुम दोनों को लाने का यही नुकसान है मेरा। 699 की कुल्फी, मैं देखती नहीं हूँ, जब मैं खुद ग्रॉसरी करती हूँ तभी। तो हम 2% लेते हैं। नहीं, दो ले लो। 529 का है 2%, 569 का 3%, और एक 1% भी आ रहा है। 1% भी 529 का ही है। हाँ। है कुछ क्या? है ना? ले ले चल। ले ले चल, अब तू ले ले। कितने का है ये? 899 का। हमारी हमारी कुल्फी पता है 699 की थी। ये आ गई फ्रोजन वेजिटेबल्स, उड़ा भी फ्रोजन। क्या लेना है आपको? मटर लेने हैं, छोटे वाले लेने हैं। हाँ, वो छोटे वाले। ये माँ महंगी चीज़ नहीं लेती। ऐसी होती है हर चीज महंगी खाऊंगी तो। ये कितने का है? $2 का। और ये हमारा वीक से कई बार बच जाता है, पर जिया मटर बहुत खाती है ना। ये मेरी भैया से ये लेती हूँ अपने लिए। और ये कितने की है? इस बार ये नई चीज आई है हल्दीराम का, आगरा ताज पेठा। ये क्या लिखा है जी? टनाटन, टनाटन आलू भुजिया। नहीं पता है, देसी लोग कहते हैं कि इंडिया में कैसे देखा, कोई प्लास्टिक नहीं है। दिखाओ, जूट बैग है ये, बस दिखा रही है जिया, देखो प्लास्टिक नहीं है। तुमने इसमें खाना बनाया, खिला भी दिया हमें। देखना जिया, इसने एक्सटर्नल यूज वाले तेल से हमें खाना बनाया, खिला दिया एक बार। ये सर पे लगाने वाला तेल है सरसों का। मैंने नोटिस ही नहीं किया, वो हम दियो के लिए लेके आए थे, तो एक्सटर्नल यूज था वो बस। माँ
आपने जो आपने दिया में ऑयल डाला, अब मैं खिला भी दिया। मैंने बाद में रियलाइज किया कि वो कुकिंग ऑयल नहीं था। इट्स ओके, सब ठीक है ना? ऑल गुड। मैगी और मैगी के नूडल्स आगे दे बीन्स आ रही है, तो हमें नहीं लेना ना आज। क्या चीज ये सब दाल वाल? तो नहीं नहीं, हम ये ठीक फील कर रहा हूं। चल वॉक करके देखिए फिर से। ठीक है जी, ठीक है ये वाला चलने में। तो एक वीक में आप कितना खाओगे? हाँ। उस हिसाब से चीपर पड़ता है यहाँ से। ये खुला हुआ ना? हाँ, खुला हुआ चीपर पड़ता है। यानी ये सीरियल नहीं है। अब मेरा सुबह का नाश्ता ये कर लीजिए। क्या कर रही हो तुम? फिर से करना गैस जलाते हैं कॉस्को में, क्योंकि कॉस्को में हमेशा थोड़ी गैस सस्ती होती है कंपेयर टू दूसरे गैस स्टेशन पे। और आज सुबह सुबह न्यूज़ में सुना था कि टोरंटो, वैंकूवर, ऑल ओवर कनाडा सब जगह गैस के प्राइसेस आज कल के कंपेरिजन में बढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और कल और बढ़ जाएंगे। तो 1 लीटर्स ऑफ गैस मेरी कार के गैस टैंक में गई थी $49.43, मतलब $50 मान लो तो 5 × 60 $60 का चल रहा है, 5 × 30 = 3,000 रुपये की गैस इंडियन करेंसी में एक हफ्ते के लिए चल जाएगी। कनाडा में हर साल इन्फ्लेशन रेट होता है 2 to 2.5%, यानी कि पिछले साल का $100 इस साल हो जाएगा $98। तक कोविड, जो वॉर चल रहा है यूक्रेन में, और जो सप्लाई चेन का जो इशू चल रहा है वर्ल्ड ओवर ग्लोबली, उसकी वजह से सब जगह इन्फ्लेशन बढ़ी है। कनाडा में इन्फ्लेशन 5.40% इस साल ऑलरेडी बढ़ चुका है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। 1914 से लेके अब तक के जो इन्फ्लेशन रेट्स हैं, ये सबसे जो कार्ड होते थे बुरी तरह भर लेते थे उसे। पर अब हमने भी थोड़ा समझदारी से ग्रॉसरी करनी शुरू करी है। तो आज की ग्रॉसरी में कितने की पड़ी करो? आज की ग्रॉसरी हमारी विद टैक्स आई है $131.71। तो लेकिन हमने बेसिक बेसिक, और ये $131 से भी जिया के रेन बूट्स इंक्लूडेड थे, और जो कि $39 के हैं। $39 के रेन बूट हटा लो तो ये ग्रोसरी हो गई 90 डॉलर। ये सूरज की दही जो हम लेके आए, ये पड़ी हमको कितने की? $2.49 की। तो ये दही है 750 ग्राम की, एक दही $2.49, तो मतलब कि अराउंड $2.50। तो भाई इंडिया का लगा लो 125 रुपए, ठीक है, आसपास। अब ये दूध देखो, ये 4 लीटर का दूध है और 2% है ये। ये कितने का था? एक दूध $5.29, यानी कि 300 रुपए के आसपास का 4 लीटर का दूध 2% क्रीम के साथ। हाँ। और हमने सिर्फ एक नहीं लिया दही, हमने 3 लिया। हाँ, दूध हमने दो लिए, जो कि ग्रॉसरी करते हुए देखा ही था हमारी कार्ट में कितने हो गए थे। अब ये फ्रेश स्ट्रॉबेरीज हैं, ओशन स्प्रे कंपनी है उसकी, $5 की 2 पाउंड, यानी कि 907 ग्राम। ऑलमोस्ट 1 kg हो गया, ऑलमोस्ट 1 kg। और जिया की आई स्पार्कलिंग ड्रिंक, जो स्पेशली आज जिया के कोटे से ली गई है, जिया की पॉकेट मनी कट करी जाएगी इसके लिए। नहीं कट नहीं करेंगे, मजाक, जोकिंग्स, आई एम जोकिंग्स। हाँ, I don't know कितने के हैं। ये बेटा दोस्ती खाते में डाल दो, $1 से कम की होगी। और ऐसे ये खीरे हैं, जैसे कि मिनी कुकुम्बर्स, ये हैं जी 15 का पैक है, और ये अपने लोकल फार्मर्स होते हैं, उन्हीं के ग्रीन हाउस में बनाए हुए खीरे हैं। तो ये खीरे भी काफ़ी अच्छे प्राइस के हैं। सूरज नान कुकुम्बर $5 का एक पूरा पैक है ये मिनी कुकुम्बर का, काफ़ी सारे कुकुम्बर हैं, ये भी हमारे पूरे वीक चलते हैं। और सिर्फ हमने ये सामान नहीं लिया, उसके साथ अनियन है, टोमेटोज लिए हैं, और हाँ, और जो भी बेसिक आप पूरे वीक में यूज़ करते हो, तो हमने सारी चीज़ें ली हैं, जिसमें कि फ्रूट्स भी हो गए, दूध, दही, नमकीन, कुकीज, जिया का स्कूल का 1 वीक का स्नैक, और सुपर स्टोर। हालांकि बहुत सारे स्टोर्स हैं यहाँ पे, जैसे कि वॉलमार्ट और
सॉबीज और इंडियन स्टोर याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं फ्रेश को तो और जो इंडियन हमारे जो पुराना एक हमने व्लॉग बनाया था जिसमें कि सारे ग्रॉसरी स्टोर्स हैं एडमिंटन के तो उसमें आप जाके वापस उसमें देख सकते हो कि कौन कौन से ग्रॉसरी स्टोर्स हम यूजली जाते हैं तो कहने का मतलब ये है कि वो भी सारे स्टोर्स हैं लेकिन सुपर स्टोर में जाने का फायदा ये होता है कि चीपर है और आपको सब कुछ मिल जाता है एक जगह पे भी लेके आए हैं जिया के लिए आइसक्रीम लेके आए और इंडियन सब्जियां लेके आए जैसे करेला सुपर स्टोर की अच्छी बात यह है कि कई बार जैसे हम एक बार इंडिया से घूम के आए तो हमने अपने मतलब उसमें सुपर स्टोर की साइट पे जाके हमने अपने व्यूज में डाला कि भाई हम क्या चाहते हैं सुपर स्टोर की ग्रॉसरी शेल्फ में आए तो हमने बाद में देखा कि वो उन्होंने लगा दिए क्योंकि जिस तरह की डिमांड होती है वो फॉलो करते हैं कि भाई कस्टमर्स क्या चीज़ें चाहते हैं कि स्टोर्स में रखी जाएं आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज था कि कुल्फी वाली आइसक्रीम भी आ गई सुपर स्टोर में जो कि नया एडिशन है लाओ कुल्फी वाली आइसक्रीम तो ये है वर्का वर्का की फैक्ट्री वैंकूवर में सरी में है सरी में अगर आप पायल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाओगे तो उसके पास में ही वर्का की फैक्ट्री है तो डेफिनेटली इस पे लिखा भी होगा शायद कि मेड इन कनाडा मतलब ये जैसे इंडियन हाँ लिखा हुआ है इसमें सरी वैंकूवर कनाडा तो हाँ ये अपना कैनेडियन प्रोडक्ट ही है इंडियन कुल्फी वर्का फैक्ट्री की अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगा इन्फॉर्मेटिव है आपको पता चला क्या प्राइस है कैनेडियन डॉलर इंडियन रुपीस में तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो सब्सक्राइब एंड शेयर तो या दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग बाय नाउ